हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई यूके एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर का पार्ट वन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो टू कैटेगरी में ग्रुप करते हैं। उसके टू कैटेगरी है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड एक दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ये है कि अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ये क्या बोल रहा है कि अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो ये एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए। ओके, ये डीएनए, ये डीएनए, सॉरी थोड़ा सा आप फिगर समझ लेना। डीएनए के अंदर ये जीन है, ये जीन वाला पार्ट, ए टी जी सी व्हाटएवर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि उसमें ये जीन है उसका कोई अल्टरेशन बन रहा है। ए टी जी सी के बदले जी टी सी ए बन रहा है, या तो उसमें टी की जगह पे एटीजीसी है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो यहाँ पे टी की जगह पे जी आ रहा है, जी की जगह पे टी आ रहा है। मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो रहे हैं, तो अल्टरेशन हो रहा है उसको और म्यूटेशन। ओके, तो ये जीन में म्यूटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, क्योंकि दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखा है कि जो जीन है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे, इनहेरिटेड हो रहे, ट्रांसमिट हो रहे। पेरेंट्स में से जो प्रोजेनी बन रही है उसमें जो जीन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसके पेरेंट के जो है ना कैरेक्टर ट्रेट, वो हाइट का जो कैरेक्टर है टॉल है या स्मॉल है ड्वार्फ है, वो ट्रांसफर हो रहा है, उसका जीन ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम करवाएगा। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। तो ये पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस है ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो ये पैटर्न बन रही है, फैमिली ट्री बनाकर हम देख सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस से। क्योंकि उसका जो पेरेंट का चार्ट है, उसके दादा दादी का चार्ट है, उसके नाना नानी का चार्ट है, वो हम ड्रॉ करके एक बार ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस ट्रेस कर सकते हैं इन अ फैमिली, फैमिली का चार्ट बना के, फैमिली ट्री बना के, बाय द पेडिग्री एनालिसिस का यूज करके। ओके, देन मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मोस्ट कॉमन और फेमस जो डिसऑर्डर है, प्रचलित डिसऑर्डर है मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो कौन से है वो देखते हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसेमिया। यहाँ पे छह नाम दिए हैं और आपकी एनसीईआरटी की बुक के मुताबिक हम ये तीन डिस्कस करेंगे, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो तीन नाम है वो डिस्कशन में नहीं है। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर आपको ये याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे कि ये तीन जो डिसऑर्डर है वो तो ऑलरेडी आपको दिए है, तो आपको याद रह जाएगा कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये तीन नाम याद रखने हो तो आप कैसे याद करोगे, सी सी टी। ओके, या टी सी, टी सी याद कर लो तो थैलेसेमिया एंड टी सी, डबल बार सी, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, देन मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव है वो उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर में होता है। तो वहां पे हम पढ़ेंगे
ये पेडिग्री एनालिसिस से भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें डोमिनेंट जीन होगा या रिसेसिव जीन होगा, कौन सा ट्रेट जैसा है उसके हिसाब से हम डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो वहाँ पे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो भी हम पेडिग्री एनालिसिस से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बात आई पेडिग्री एनालिसिस की, तो अब पेडिग्री एनालिसिस के बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगी विथ एग्जाम्पल के साथ, और आपको याद कैसे रखना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ओके, और एग्जाम्पल भी दूंगी तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ओके गाइस, एंड आपका वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कुछ बहुत कुछ याद नहीं रखना, बहुत ईजी है। आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।